नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरदोई में एक फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पकड़ा गया है। उसको खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर दुकानों पर वसूली कर रहा था। उसी समय शक के आधार पर व्यापारियों ने उसे पकड़ लिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जवाहर नगर चौक के पास पहुंचे तो किसी व्यक्ति द्वारा इनसे गाड़ी रोक के बताया कि इनका गाड़ी से मोबाइल लीक कर रहा है। इस पर दोनों लोग उतर के उस गाड़ी के मोबाइल चेक करने के लिए उतर गए थे नीचे, क्योंकि 5 लाख रुपये अपने बैग में लेकर आए थे जो गाड़ी में ही छोड़ दिया था। उसी का मौका पाकर कुछ टप्पेबाजों ने उनका 5 लाख का बैग गायब कर दिया। चूँकि ये घटना कहीं ना कहीं उलझा कर डाइवर्ट करके घटना की गई और जब ये लोग वापस गाड़ी को चेक करने के बाद आगे से जब गाड़ी में बैठे तब उनको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि जो बैग रखा था पीछे। भाजपा द्वारा लोहाघाट में वोटर चेतना अभियान का आयोजन किया गया। वोटर चेतना अभियान कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा की अध्यक्षता और भाजपा जिला मंत्री मुकेश कलखुड़िया के संचालन में नगर पालिका परिषद सभागार लोहाघाट में आयोजित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा ने सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नव मतदाता जन जागरण महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से हमें दिया गया है। प्रत्येक जिलों को और प्रत्येक विधानसभाओं का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किया है ताकि जो नव मतदाता है वो वास्तव में देश का भविष्य लिख सकती है, क्योंकि जो भी नवदाता युवा भाई बहन नव मतदाता बन के आएंगे। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष समेत NSUI और ABVP छात्र संगठन ने छात्र हित की मांगों पर विश्वविद्यालय का ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्र संगठन की मांग है कि CUET परीक्षा में 50% आरक्षण उत्तराखंड के छात्रों को दिया जाए, जिससे कॉलेज में छात्र संख्या बढ़ सके। अभी जो एग्जाम हुए हैं वो एंट्रेंस CUET के थ्रू हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं रिमोट एरिया के, वो मैक्सिमम कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और जैसे मुझे छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लड़कों का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर रखे हैं, वो जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का घुड़दौड़ी में सेंटर रखा है। मुजफ्फरनगर के विकास भवन स्थित सभागार में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान शामिल हुए। संजीव बालियान ने प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना के अंतर्गत जल निगम के अधिकारियों के साथ योजना में मिल रही ब्लॉक प्रमुखों के द्वारा खामियों को लेकर बैठक की। वहीं इस बैठक में जिला पंचायत सहित सभी ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में मंत्री संजीव बालियान ने जल निगम के अधिकारियों की क्लास लगाते हुए जल निगम के ठेकेदारों के कार्य में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। जल जीवन मिशन जो गांव में हर घर को जल प्रधानमंत्री का एक सपना है, उसे लेकर हर गांव में टंकी बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन हर गांव से रास्तों की शिकायतें हैं, हर गांव से क्वालिटी की शिकायत है, रास्ते खोज दिए जाते हैं, 6-6 महीने ठेकेदार नहीं जाता। इस संबंध में आज बैठक थी सभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष। एटा में चोरों ने कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मोहल्ला किदवई नगर के एक घर में बेटी की शादी के लिए प्रॉपर्टी बेचकर रखे रुपए और गहनों को चुरा कर इलाके की पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल सभी घर के लोग नीचे से ऊपर माले पर गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने घर में चोरी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास लगे CCTV के आधार पर मामले की जांच करने में जुटी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।